हेलो गाइस वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल प्रदीप सो आज मैं आपको पहला हमारा बेसिक प्रोग्राम जावा का क्रिएट करना सिखाने वाली हूँ एंड ये हमारी जावा ट्यूटोरियल सीरीज़ का थर्ड पार्ट है एंड uh, मैं उसके लिए यूज़ करने वाली हूँ एक्लिप्स आई डी ई आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं सो so, ये तो मेरे कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं हम चलते हैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जावा न्यू पे गए जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया दैन यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम डाला आप जो चाहे वो डाल सकते हैं जावा का वर्जन मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है आपके पास जो भी इंस्टॉल वर्जन हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं देन तो हमें कुछ नहीं यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करना है एंड देन हमें यहाँ पे दस फिनिश कर देना है डोंट क्रिएट इसकी ज़रूरत नहीं है और ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो सकता है जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास एक सोर्स फोल्डर है यहाँ पर हम जाएंगे एक न्यू पैकेज क्रिएट कर लेते हैं पैकेजेस का यूज़ हम बेसिकली सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम अपने जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है तो उसी से मैनेज कैसे करें कौन सी क्लास कहाँ पे है कौन सा इंटरफेस कहाँ पे है कौन सी फाइल कहाँ पे है कौन सा वेरिएबल कहाँ है वो इजीली हम डिफ़ाइन कर सकते हैं फिर सो so, अभी हम पैकेजेस पे चलते हैं तो अभी मैं यहाँ पे बस पैकेज का नाम रख के फ़िनिश कर दीजिए पैकेज आ गया पैकेज के अंदर अपनी क्लास क्रिएट करिए क्लास देन यहाँ पे आप इसका नाम रख दीजिए फर्स्ट प्रोग्राम या आपको जो लिखना हो लिख दीजिए देन हमें इसके साथ अपना मेन मेथड चाहिए तो हम पिक कर देते हैं फिनिश कर देते हैं और ये हमारा पहला जावा का प्रोग्राम आ गया ये हमारे क्लास का नाम है क्लास के रेम के नेमिंग कन्वेंशन पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा कि हमारा जो क्लास का नाम होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है एंड अगर कोई नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है जैसे कि फर्स्ट प्रोग्राम इसमें दो लेटर्स हैं तो हम कैमल केस यूज़ कर सकते हैं कैमल केस अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उसके लिए बता देती हूँ कैमल केस मतलब दूसरे लेटर का पहला लेटर कैपिटल ताकि हम दोनों लेटर को आइडेंटिफाई कर सकें कि वो दोनों लेटर अलग अलग हैं एंड देन अब मैं यहाँ पे एक सिंपल ये क्लिप्स में ट्रिक है सी एस वाई एस ओ आप टाइप करो और कंट्रोल स्पेस टाइप कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलर अपने ऑटोमेटिक लिख के आता है नाउ यू आर जस्ट प्रिंटिंग स्ट्रिंग ये मैंने डबल कोर्स में स्ट्रिंग दे दी कंट्रोल एस करके मैंने प्रोग्राम को सेव किया और मैं इस को रन करूँगी रन एस जाब एप्लीकेशन एंड एज यू सी कंसोल में आपका हेलो जावा प्रिंट हो गया सो कंग्रेचुलेशन गाइज आपने जावा का पहला प्रोग्राम लिख लिया है सो so, अब मैं आपको इसके बाद हमारे नेक्स्ट पार्ट में डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगी कि जावा में कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं और उन टाइप भी कितने टाइप के होते हैं और किसका यूज़ कहाँ किया जाता है सो so, गाइस इसी तरह आप बने रहिए एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल और क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन टू सॉल्व योर मेजर डाउट्स एंड फॉर द माइनर डाउट्स जस्ट टू कमेंट सो थैंक यू